कानपुर में छात्रा का दुपट्टा खींचकर हवा में लहराने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही कई राज भी सामने आए। ये आरोपी न सिर्फ लड़कियों से छेड़छाड़ करता था बल्कि लूटपाट की वारदातों को भी अंजाम देता था। इनके पास से फोन और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने पिछले दिनों दुपट्टा खींचने की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियां स्कूल ड्रेस में पैदल जा रही हैं, तभी पीछे से स्कूटी सवार आता है और एक छात्रा का सफेद दुपट्टा खींचकर लहराते हुए फरार हो जाता है। पनकी का एक गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि कुछ लड़के एक बाइक से जा रहे हैं, एक लड़की के साथ इन्होंने छेड़खानी करी है। इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।